वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमें कुछ काम है ISBT में, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, बाकी हम आपको वहीं पे ही मिलेंगे। आप किसका नाम? सिगरेट सर नेम ओके। अब हम निकल पड़े हैं ISBT की तरफ। तो यहाँ पे की है हमने गाड़ी पार्क, तो आप देख सकते हो गाड़ी पे कितनी धूल जमी पड़ी है। तो हमने सोचा पहले हम गाड़ी को थोड़ा बहुत धुलवा देते हैं बार बार सी, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने पूरी वॉश करवाई थी, पर यहाँ पे धूल इतनी है कि गाड़ी फिर से गंदी हो गई है, तो थोड़ा बहुत तो साफ़ करना पड़ेगा। तो फिर हम यहीं पर, साथ में एक कार वॉशिंग है, तो हम यहीं पर गाड़ी धुलवाएँगे और फिर निकलते हैं हम ISBT की तरफ। तो ये हम पहुंच गए हैं ISBT शिमला। तो हमें करवाना था कुछ गाड़ी का काम, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमें एक्चुअली गाड़ी में ब्रेक पैड डलवाने थे, तो फिर सबसे पहले हम अपना काम करवा लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि 1-2 घंटे लगेंगे। जैसे उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम मूवी देख लेते कोई अगर होगी, तो हम चल पड़े हैं मूवी के लिए। तो फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा फिर वापस, क्योंकि 3 बजे का शो था और इस टाइम बज रहे थे 12। तो इससे बेटर है कि हम वापस चले जाते हैं। हम जितने में नीचे पहुँचे तो उतने में हमें पता चलता है कि गाड़ी का काम हो गया है, क्योंकि हमारा नंबर पहले ही आ गया था। तो इसके बाद हमने प्लान बनाया कि अब हम चलते हैं एडवांस स्टडी की तरफ। एंट्रेंस पे, तो फिर यहाँ से ऊपर वैसे गाड़ी भी जाती है, बट हमने सोचा कि हम गाड़ी यहीं पे पार्क कर लेते हैं। एक्चुअली ऊपर से फिर गाड़ी को वापस लाना होता है, आप किसी को ऊपर ड्रॉप कर सकते हो, फिर आपको वापस आना है। तो हमने सोचा हम गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं, ऊपर की तरफ हम पैदल ही निकलते हैं। हेलो गाइज, चैनल टू माई वेलकम। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, एक पर्सन ने ब्लैक पहना था और आज धूप भी बहुत लगी थी, तो गर्मी से हमारे बुरे हाल हो चुके थे। सबसे पहले आपको अंदर जाने के लिए टिकट्स लेनी पड़ेगी,
जो कि आपको 100% पड़ेगी। मतलब अगर आपको अंदर जाना है तो आपसे 100 लेंगे, अगर आपको बाहरी गार्डन एरिया घूमना है तो आपसे 50 रुपीज़ लेंगे। तो आप देख सकते हो कि आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, इसे मेनली इंडिया के वायसराय लॉर्ड डफरिन के लिए बनाया गया था, और इसे बनाने में मैक्सिमम 4 इयर्स लगे थे, और ये बनी थी 1884 से 1888 के बीच। तो जितने भी इसके बाद हमारे गवर्नर जनरल्स रहे हैं, हमारे जो वायसरायज रहे हैं, वो यहीं पे आके रहते थे। और बाकी जो यहाँ का व्यू है बहुत ही ऑसम है, और आप जो गार्डन एरिया देख रहे हो बहुत ही प्यारा है। फोटोज़ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ काट के मतलब बहुत प्यारा बैठने के लिए बनाया हुआ है। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। एक्चुअली हमने अंदर की टिकट भी ली, तो वहाँ जाने की टाइमिंग थी हमारी 2:45, तो अभी रहा था 1 घंटा ऑलमोस्ट। तो फिर हमने सोचा पहले हम बाहर गार्डन एरिया पूरा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे। आ जाओ, जाइए, जाओ आप पहले। बंद तो नहीं ना बाहर से किया, तो हमारे को वापस आना पड़ेगा। हाय, जाइए जाइए, मैं भी आती हूँ आपके पीछे। आराम से आना। हाँ, मैं आराम से ही आ रही हूँ। ओ नो, ये कुछ ज्यादा लंबा लग रहा है आज। मेरे को तो बहुत ही छोटा है। देखो अंग्रेजों ने अपना कंपास सेट किया हुआ है। स्केलेटन मैप, एरिया कवर्ड बाय, देख तो कुछ नहीं रहा है, पैनोरमा एंड सराउंडिंग कंट्रीज। ग्रेट हिमालय, तो अब आ गए थे हम पेट पूजा करने, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बर्गर एंड ऑल ही मिलता है, सब कुछ वो भी होता है जंक फूड। तो फिर हमने बर्गर ही ऑर्डर किए, वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो इसके बाद हम जाएंगे अंदर। एडवांस स्टडी से निकलते ही अब हम चल पड़े हैं रूम की तरफ। मैं आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाई, एक्चुअली वहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ लेना मना है, इवन आपको फ़ोन भी बिल्कुल साइलेंट रखना होता है या ऑफ करके रखना होता है। लुक एट द व्यू गाइस, कितना सुंदर लग रहा है, खास करके जो क्लाउड्स